हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों एक न्यूज आ रही है, देखिए क्या है हेडलाइंस जो कि आपका संवाद अमर उजाला न्यूज का है, कानपुर न्यूज आ रही है। इसमें बताया गया इस बार प्रदेश में खाली रह जाएंगी पॉलिटेक्निक की 54,000 सीटें। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे आखिर क्या 54,000 सीटें जो खाली सरकारी होंगी प्राइवेट होंगी क्या कैसे होंगी, क्योंकि बच्चे एक चीज़ ध्यान रखें, काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कमेंट भी कर रहे हैं सर सीट तो इतना हज़ार खाली है तो क्योंकि नहीं मिलेगा सरकारी काले। तो अगर ये अगर ये आपका कन्फ्यूजन है तो और ये आपका जो भ्रम है अभी मैं आप तोड़ने वाला हूँ आखिर कैसे क्या सही है, अभी इस रियलिटी के बारे में जानेंगे। देखिए उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किए, क्योंकि आपको पता है अथेंटिक जितने भी अपडेट हैं न्यूज हैं सही तरीके से काउंसलिंग कैसे कराना कॉलेज अलाटमेंट सब कुछ एक एक पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए अब सीधा से टॉपिक पे आते हैं। आपको इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हमें डीएम कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप काउंसलिंग से रिलेटेड बना दिया गया, वहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर ले अगर आप लोग चाहते हैं काउंसलिंग, क्योंकि काफ़ी बच्चों को बच्चे प्रॉब्लम होती काउंसलिंग कराने में, उनको नहीं पता होता अच्छा नंबर होने के बाद वो सीट नहीं पाते हैं तो अब हमें हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं, हम खुद अपने स्टूडेंट का करते हैं। ठीक है, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 888-7446-489। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लो 888-7446-489, इस पर हम मैसेज करके अपना काउंसलिंग सीट बुक करा सकते हैं ताकि हम लोग काउंसलिंग आपका अच्छे तरीके से करें ताकि आपके सीट मिलने के गवर्नमेंट सीट मिलने के बिल्कुल 100% चांस हो जाए। काफ़ी बच्चे कमेंट पूछ रहे हैं क्या सर 50 नंबर पर कानपुर मिल जाए, तो बच्चे आपको एक चीज़ बता दें बोर्ड में बैठा कोई भी बंदा नहीं बता सकता आपको 100 नंबर मिलेगा 20 नंबर पर 150, लेकिन आपको पता है जैसा अच्छा नंबर रहेगा उसी तरह उसी हिसाब से टॉप कॉलेज मिलता है। कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं तो ये आपका भ्रम है, इस चीज़ में मत फंसिए। देखिए कॉलेज जो मिलेगा आपको आपके नंबर के हिसाब से मिलेगा, हम लोगों को पता होता कैसे काउंसलिंग में कितना नंबर पे कितना कौन कौन सा कॉलेज चूज करना वो आपको नहीं पता होता है, इसलिए आप कॉलेज नहीं पा पाते हैं सरकारी। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग कराते हैं इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे देखिए क्या लिखा है, नौकरी न मिलने से घटा छात्रों का रुझान, 2,28,527 सीटें हैं पर अभ्यर्थी पास हुए हैं 1,74,160। तो बच्चे एक चीज़ ध्यान रखो, जो आपके टोटल 2,28,000 है इसमें बच्चे आपके प्राइवेट सीट है प्राइवेट कॉलेज का, आपको पता है जब प्राइवेट एग्जाम एडमिशन ही लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम क्यों दें, डायरेक्ट एडमिशन ना ले। और कुछ कॉलेज जिसमें सरकारी कॉलेज में भी पीपीटी मॉडल पे जो आपका ठीक है पीपीटी मॉडल पे जो आपका लेकिन प्राइवेट बेस पे आपका उसमें भी एडमिशन होता पीपीटी मॉडल पे, क्योंकि सरकार ये भी सिस्टम चलाती है। तो उन सब सीटों को छोड़ दोगे तो आपको सरकारी कॉलेज अब भी कम है, यानी आपको कम नंबर पे नहीं मिलने वाला, इसलिए एक्सपर्ट काउंसलर की जरूरत पड़ेगी और हमसे आप संपर्क कर सकते हैं अगर काउंसलिंग करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कैसे सीट में कॉलेज लॉक करना है। ठीक है, तो देखिए कानपुर से न्यूज़, पॉलिटिंग में पढ़ाई को लेकर छात्रों का रुझान घटा, प्रदेश के सरकारी अनुदानित और निजी में पॉलिटिंग में इतना इतना खाली सीटें खाली है। तो देखिए क्या लिखा है, ऐसे में इन संस्थानों में सीटें खाली रह जाएंगी पॉलिटी के प्रति छात्रों का रुझान घटने का कारण नौकरी न मिलना, ग्रुप ए डिप्लोमा इंजीनियरिंग है और ग्रुप बी फार्मेसी और मैनेजमेंट के डिप्लोमा कोर्सों को छोड़ दें तो अन्य ग्रुपों को छात्रों को नौकरी नहीं मिलती है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो सीटें हैं थोड़ी सी खाली हैं, लेकिन बच्चे मैं आपको पूरा सही से रियलिटी बताता हूँ इसके पीछे क्या है। ये जो आपके बीच में न्यूज लाई जा रही है बिल्कुल सरासर झूठ है, झूठ मतलब हालांकि सही है बच्चे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 54,000 सीटें आपकी इसमें सरकारी कॉलेज की सीटें खाली नहीं है, ध्यान से समझिएगा। जो भी सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज आपको पता अगर लगभग जितने गवर्नमेंट कॉलेज उसके 2.5 गुने से 3 गुने तक आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, यानी जो सीटें बचेंगी खाली होंगी प्राइवेट सीटें खाली होंगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस कन्फ्यूजन मत पड़िएगा आपको कि जो 10 नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने आपको रियलिटी बताया है। 54,000 में कुछ सरकारी कॉलेज में प्राइवेट बेस पे एडमिशन था पीपीटी मॉडल पे और ऑलरेडी कई कॉलेज जो हैं प्राइवेट हैं। तो ऐसा आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा, कन्फ्यूजन दूर होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर, कोई भी कंफ्यूजन हो हमें कमेंट कर सकते हैं और काउंसलिंग के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट डाउन कर लो। धन्यवाद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।